तो आ गए अपने हम लैपटॉप स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स अभी चलिए देखिए आपको हम बताते हैं कि आपको करना क्या है, कि आपको सेटिंग क्या करना होता है कि जिससे कि आपका ऐप में फटाक से डाउनलोड आए। अगर कोई सर्च करे तो आपका ऐप सबसे पहले आए, तो जगह सबसे पहले आएगा तो डाउनलोड्स भी आपका ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ पहले उदाहरण दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि अगर मैं सबसे अपना जो पॉपुलर एप्स है, मैं चलिए मैं प्ले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। पहले सिंपल आपको play.google.com पे जाना है, ऐप ओपन कर लिया, एप्स में गया। अभी मैं जैसे कुछ सपोज सर्च करता हूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ। अगर मैं शेयर इट करूंगा तो देखिए मैं शेयर इट डाला, किया सर्च किया, देखिए कितना सारा शेयर इट आया। लेकिन आप देखेंगे इसमें एक चीज कॉमन है, मालूम है क्या, जैसे कि मैंने शेयर इट डाला उसके नीचे सजेशन आ गया। फिर से मैं करता हूँ, देखिए आपको ये समझाने के लिए है, थोड़ा वीडियो जो भी हो आप देख लीजिएगा। देखिए इसके नीचे सजेशन आ रहा है, मालूम है सजेशन किस चीज का आ रहा है, ये ना सजेशन आ रहा है, ये ना कि ऐप का सजेशन नहीं आ रहा है, ये डेवलपर अकाउंट का सजेशन होता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ना कि हम जब प्ले कंसोल खरीदते हैं तो देखिए मैं अपना ये डेवलपर कंसोल लेके जाता हूँ। ये देखिए ये मेरा सेकंड अकाउंट है, डेवलपर कंसोल अकाउंट है मेरा। इसका मैंने देखिए नाम क्या दिया, डेवलपर नेम सायरी जोक्स व्हाट्सएप एंड स्टेटस। ठीक है, अभी मैं वापिस इस पे आता हूँ, ये गूगल प्ले पे। अब देखिए जरा एप्स का नाम क्या है, ये शेयर इट, ठीक है, शेयर इट ट्रांसफर। और नीचे उसका डेवलपर अकाउंट का नेम क्या है, शेयर इट टेक्नोलॉजी, मतलब उससे ही मैचिंग मिलता जुलता है। ठीक है, ये देख लीजिए इसका। अभी जैसे कि मैं मान लीजिए फेसबुक डालता हूं, ठीक है मैं फेसबुक डालता हूं, देख रहे हैं फेसबुक का जो नेम ऐप नेम है उसका जो है और डेवलपर अकाउंट का नेम वो सेम है, देख रहे हैं। अभी मैं चलिए डालता हूं कुछ और, जैसे मैं व्हाट्सएप डालता हूं। अब व्हाट्सएप का देखिए क्यों ये पहले नंबर पे आ रहा है, व्हाट्सएप की तरह व्हाट्सएप का जो है बहुत सारा स्टेटस एप्लीकेशन बना हुआ है, वो सब पहले क्यों नहीं आ रहा है, यही क्यों आ रहा है, ये रीजन है। रीजन ये क्या है कि डेवलपर नेम को जो है ना पहले सर्च करता है, हम जो भी सर्च करते हैं ना पहले डेवलपर नेम के कीवर्ड से मैच होता है, बाद में ऐप के नेम से ऐप नेम में जो है वो मैच करता है। तो आपको फिर से एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए एमएक्स प्लेयर होता है, ये देखिए मैंने एमएक्स प्लेयर डाला, ये देखिए एमएक्स प्लेयर में थोड़ा सा इसका दूसरा है, डेवलपर नेम थोड़ा अलग है, बट ये एक्चुअली थोड़ा फेमस हो गया है ऐप, तो इसके लिए ये पहले लाइन पे आया है। तो चलिए देखते हैं, जे टू करके है, चलिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये था ना कि हम जो कीवर्ड डाले वो कीवर्ड पहले कहां मैच होता है, पहले डेवलपर नेम के हिसाब से मैच होता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप थंकेबल हैप्पी बिल्डर मैक्रोइट से ऐप बना रहे हो तो आप कैसे ऐप बना सकते हो, सिंपल आप जरा समझिए, आप सिर्फ शायरी का ऐप बना सकते हो, जोक्स का बना सकते हो, और इसके बाद जो है आप ये क्या बोलते हैं बुक्स के ऐप बना सकते हो, स्टोरीज के बुक बना सकते हो, इंग्लिश में जोक्स बना सकते हो, यही सब आप ऐप बना सकते हो। आपको मैं जो सही बताऊं एकदम मायने में एकदम यही सही ऐप बना सकते हो, और कुछ नहीं बना सकते है कि नहीं, फ्लैश लाइट्स के ऐप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो है कि नहीं, कुछ ज्यादा मतलब कि एडवांस में ऐप नहीं बना सकते वो हम यूज करके। देखिए फ्लैश लाइट्स का भी उसके डेवलपर में भी लाइट का यूज हुआ है, कीवर्ड्स का यूज हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, जब आप गूगल टर्मिनल अकाउंट बाय करें तो जो डेवलपर नेम है ना वो आप कुछ इस तरह से रखें, समझ रहे हैं, उस इस तरह से रखने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप उससे कैसा ऐप बनाएंगे, सिंपल सायरी जोक्स व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे ऐप बनाएंगे, तो अगर आपका डेवलपर नेम सेम रहेगा और उसके रिगार्डिंग आपका मैचिंग जो है ऐप का नेम रहेगा, तो आपका नेम जो है आपका ऐप जो है सर्च में पहले आएगा। ठीक है, जैसे मैं देखिए अब सायरी सर्च करता हूं, ठीक है ये देखिए मैं सायरी सर्च किया, एंटर किया, ये देखिए अभी मैंने सायरी सर्च किया, अभी ये जो मेरे डेवलपर कंसोल अकाउंट में इसमें एक भी ऐप नहीं है, ये मैंने एक नया कंसोल खरीदा है जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने किया है, क्योंकि अगर मैं अपना रियल अकाउंट इसमें ओपन करूंगा ना इतने हैटर्स हैं मेरे कि वाट लगा देंगे मेरी, इसके लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए, देखिए मैंने सिर्फ शायरी सर्च किया, तो देखिए एस मतलब कि जो पहले कीवर्ड मैच करेगा वही पहले आएगा। फ्रेंड्स मेरे कहने मतलब यही है, आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। अब दूसरी चीज क्या कि अगर और आपको कैसे जो है अपने ये पहला स्टेप आप नोट कर लिए, अभी दूसरा क्या करना है, अगर मान लीजिए दूसरा आपको क्या उसमें सेटिंग करना है, सेटिंग आपको करना है ऐप का नेम। ऐप का नेम आप कैसे देंगे, ऐप का नेम देने के लिए मैं आपको एक है मेरे पास टूल है,
ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इसको फ्री में चेक कर सकते हो कि क्या कीवर्ड जो है रैंक हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप शायरी का ऐप बना रहे हो, आपको शायरी का चेक करना है। मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं टूल को, ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं यहां पे डालता हूं मुझे शायरी का जैसे चाहिए, SHAYARI, ठीक है, शायरी का चाहिए। क्या गूगल प्ले पे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे चाहिए। तो मुझे गूगल प्ले पे कीवर्ड को सर्च करना है, मतलब एप्स के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है तो मैं इसको करता हूँ। कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट में, इंडिया में, किधर किसी भी कंट्री में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं यूनाइटेड में डालता हूँ और लैंग्वेज जो है इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देखिए अभी ये क्या दिखाएगा कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है प्ले स्टोर पे, देख रहे हैं ये रियल टाइम आपको दिखा रहा है। रियल टाइम डेटाबेस मतलब रियल टाइम मतलब इतने लोग ऐसा क्या कीवर्ड डाल के सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे देखिए अभी क्यू में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, 5 to 555, और कितने लोग मतलब इतना सर्च में आ रहा है, ठीक है। ये इसका प्रो वर्जन भी है, आप इसको प्रो वर्जन में लेके ये भी देख सकते हैं कि कितना सीपीसी देती है इससे, ऐसे कीवर्ड्स का एडसेंस जो है। तो देखिए क्या कीवर्ड आ रहा है, देखिए अब शायरी दर्द भरी, शायरी 2019, शायरी शायरी जो पागल कर दे, देख रहे कितना सारा आ रहा है कीवर्ड। अभी आपको क्या करना है, शायरी दर्द भरी जो सबसे टॉप पे चल रहा है कीवर्ड, उसी कीवर्ड्स को अपने ऐप के नेम में यूज करना है। जैसे मैं अपने ऐप का नाम क्या दे सकता हूँ, शायरी 2019, शायरी दर्द भरी, ऐसा मैं डाल सकता हूँ, समझ रहे हैं। ऐसा डालेंगे ना तो वो आपका रैंक होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता रैंक होने के लिए। देख रहे हैं कितना सारा सर्च में आ रहा है। अभी चलिए मैं दूसरा को सर्च कर लेता हूँ, जोक्स को सर्च करता हूँ। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और जोक्स को सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैं जोक्स को सर्च करता हूँ। अब देखिए जोक्स का कीवर्ड्स क्या है अभी दिखाएगा। देखिए जोक्स फॉर किड्स, जोक्स फॉर टीन्स, जोक्स फॉर रिडलेस, जोक्स फॉर जोक्स इन स्पेनिश, ये जो है यूएस का कीवर्ड है, इन यूएस कंट्री में सर्च हो रहा है। आप इंडिया डाल के इंडिया का सर्च कर सकते हो। आपको जिस कंट्री में रैंक कराना है अपने ऐप को, उसके कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। देखिए अगर इसके रिलेटेड अपना नेम डालेंगे अपने ऐप का तो रैंक होना ही होना है, क्योंकि इतना सारा सर्च में आ रहा है। आप देखिए जरा कितना आ रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते कितना आ रहा है, ठीक है कि नहीं, इतना बढ़िया बता रहा है। और बाकी के जो कीवर्ड्स है ना, आप उनको ऐसा कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा उसको मेंशन करो, जैसे कि और सभी लोग करते हैं। जैसे देखिए मैं ये कर लेता हूं, ओपन करता हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो कितना सारा कीवर्ड जो है ये मैच किया हुआ है। देखिए नीचे देखिए, देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आपको मैंने दो चीजें बता दी, यही दो चीजें आपको करना होता है, बाकी और सब आप कर लेते हो, बस दो चीजें नहीं कर पाते। एक डेवलपर अकाउंट आपका मैचिंग होना चाहिए और दूसरी चीजें जो है जो रैंक में कीवर्ड में आ रहा है आपको वो यूज करना। आप देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया बता रहा है। आपको मैंने वेबसाइट का लिंक मैं इसको दे दूंगा, आप यहां से चेक करके वैसा ही नाम डालो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा और आपसे बस यही बोलूंगा कि अगर आप नए आए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। आपको नए वीडियो में नया चीज बताऊंगा कीवर्ड्स के बारे में, कैसे आप अपने जो है सर्च में इंजन में लाएंगे अपने ऐप को एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, आज का वीडियो खत्म करते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।